अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकंड ईयर फिजिक्स। इस चैप्टर में ईएमटी की एक बेसिक इक्वेशन भी है, फैराडे लॉ। और इसमें होता क्या है कि एक हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूवमेंट देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करवाते हैं, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाती है। ईएमएफ हमने पढ़ा था, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस। और उस पोटेंशियल के डिफरेंस को अगर क्लोज सर्किट प्रोवाइड कर दिया जाए तो उस सर्किट में करंट भी मूव होने लग जाता है, और उस करंट का नाम था इंड्यूस करंट। ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल हमारे जनरेटर में यूज़ होता है। तो इसमें एक लॉन्ग टॉपिक जनरेटर भी है, तो ये टॉपिक्स लॉन्ग में है, लेकिन हम आज देखेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट्स। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आगे, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, या इंड्यूस करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। ये क्वेश्चन नंबर वन है। तो अब हमने इसका आंसर देना है कि वन ईएमएफ करती है या इंड्यूस करंट करता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास है जी एक कॉइल, ठीक है, लेकिन ये कॉइल इस वक्त बनी हुई है एक रबड़ की। ठीक है, ये मेरे पास एक और कॉइल है, और ये कॉइल बनी हुई है मेरे पास कॉपर की। ठीक है, दो कॉइल हैं, एक रबड़ की है और एक इसकी है। अब इस कॉइल के अंदर मैं एक मैग्नेट को मूव करता हूँ नॉर्थ एंड साउथ, इस कॉइल के अंदर भी एक मैग्नेट को मूव करता हूँ साउथ और नॉर्थ। ठीक है, कुछ भी। अब क्या होगा, कौन सी कॉइल में हम ये जो एम्पेयर मीटर है, या अगर एम्पेयर मीटर उड़ा देते हैं क्योंकि करंट बहुत माइन्यूट सा है, तो हम इसकी जगह जी लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी कॉइल में ये सारी रबड़ की बनी हुई है और ये सारी कॉपर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग आएगी अगर करंट गुजरेगा? आपको सर जाहिर सी बात है इस पर रीडिंग आएगी, लेकिन मुझे भी मैग्नेट का नहीं पता, लेकिन आप कहोगे सर अगर इसमें से करंट गुजरा तो जी वाले पे इस पर रीडिंग आएगी, कॉपर वाले पे और रबड़ वाले पे रीडिंग नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, बहुत ज़्यादा है, तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो करंट बहुत कम, यानी कि नियरली ज़ीरो, क्योंकि इसमें फ्री चार्ज इसमें है। इसका मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंड करवाती है करंट को और इसके अंदर, लेकिन क्या रेजिस्टेंस इंड्यूस ईएमएफ पे भी डिपेंड करती है वोल्टेज पे? ये क्वेश्चन का आंसर हमें फैराडे की इक्वेशंस में नजर आ जाएगा। फैराडे की इक्वेशन क्या थी, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बननी है जब हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे इसके क्रॉस या इस रबड़ के क्रॉस, तो वो कहता है दोनों में सेम बनेगी। अगर इधर 5 वोल्ट बनेगी तो इसमें भी कितनी बनेगी, 5 वोल्ट। मैंने कहा फिर इसमें क्यों नहीं करंट आएगा? उसने कहा सर असल में वो उसकी इक्वेशन और है, वो भी बताते हैं आपको। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड रेजिस्टेंस का फैक्टर, इधर कोई रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं। अगर मैं इसको खोल के भी लिखूं इसको, तो माइनस एन डेल बी ए कॉस थीटा ओवर डेल टी, तो इसके अंदर भी रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो आपको कि सर अगर इधर नहीं आ रहा रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं है इधर, तो इसका मतलब है कि ईएमएफ डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि जितनी इसमें बनेगी उतनी इसमें बनेगी। तो इसमें करंट आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आई क्रॉस आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इन दोनों का हासिल सर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या बनेगा कि अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम, और अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा। आल दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब है कि अगर ये कॉइल रबड़ की बनी हुई है तो इसकी रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा। इसका मतलब है कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन दी रेजिस्टेंस। कौन सी ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि बनाई जा रही है, हम मैग्नेट की वजह से बना रहे हैं उसमें, और करंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया वन, यानी कि करंट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस बट इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर टू, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक स्क्वायर लूप है जी मेरे पास, ठीक है, और उसके इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक हमारी जो है, जो क्या कहते हैं इसे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके थ्रू स्क्वायर लूप मूव करवाई जा रही है। ये इसको मैं कुछ यूं बना लेता हूँ, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और ये आपके पास स्क्वायर लूप है और ये इस तरफ है, मतलब कि अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है सारी, तो ये जो लूप का एरिया है वेक्टर, ये इस तरफ है, वेक्टर एरिया इस तरफ है, लूप ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे स्क्वायर और इधर फील्ड है, तो ठीक है। वो कहता है इस लूप को बार बार आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो क्या इस लूप में EMF इंड्यूस्ड होगी? उसने कहा सर होनी तो चाहिए। मैंने कहा क्यों होनी चाहिए? उसने कहा सर ये इक्वेशन है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी कॉइल को मूव करोगे या कंडक्टर को मूव करोगे तो उसमें इंड्यूस EMF बनेगी। मैंने कहा यार इस चैप्टर के स्टार्ट में एक हल्का सा कंसेप्ट दिया था कि अगर फील्ड लाइन्स कटेंगी तो बनेगी। मैंने कहा क्या? उसने कहा सर ये। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर देखो माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी है। मैंने कहा है। उसने कहा सर इसका फ्लक्स कितना आएगा? मैंने कहा फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा सर जी ये देखो फील्ड इधर है, वेक्टर एरिया भी इधर है, कॉज जीरो, तो क्या बना? बी डॉट ए था तो बी ए कॉज जीरो, तो कॉज जीरो क्या आ जाएगा? वन, तो क्या बचा? फाइव। लेकिन उसने कहा सर जब आप ऐसे मूव करोगे तो जितना फ्लक्स इधर मूव करेगा उतना ही फ्लक्स इधर है। मैंने कहा हाँ यार फ्लक्स तो सेम है। उसने कहा फिर फ्लक्स सेम है तो आप बताएं सर। एंड डेल फाई, तो डेल फाई क्या होगा? अगर फ्लक्स सेम है, फ्लक्स पहले भी उतना है बाद में भी उतना है, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा? फाई तो इसके बराबर है, लेकिन चेंज इन वाई, चेंज तो हो ही नहीं रहा, फ्लक्स अगर चेंज नहीं हो रहा तो जो चीज़ चेंज है उसका, जो चीज़ कांस्टेंट है उसका चेंज क्या होता है? जीरो। तो EMF कितनी बनेगी? जीरो। इसका मतलब है कि इस कॉइल, स्क्वायर कॉइल के अंदर किसी किस्म की भी EMF इंड्यूस्ड नहीं होगी। समझ आ गई बात की? और ये आप एक मैथमेटिकल लिखा करें शॉर्ट क्वेश्चन में, ताकि एग्जामिनर इसको देख के आपको नंबर ईजिली दे दे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है अ लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम दी फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये एक बार मैग्नेट है, इसके ऊपर एक मेटालिक रिंग फेंका है। व्यूड फ्रॉम अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द रिंग। मैं डायग्राम बना देता हूँ जी, इधर नॉर्थ साउथ, और ये रिंग नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे छल्ला है और ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये रिंग है, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने बताना है कि इस रिंग में किस डायरेक्शन में इंड्यूस EMF बनेगी, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। अब हम इसके लिए आपने देखना क्या है, आपने इसमें फैडे लॉ को भी देखना है और फैडे लॉ के अंदर ये जो माइनस है ना इसको भी देखना है, यानी कि इसमें आपने एक चीज़ का जिक्र करना है, वो है लेंज़ लॉ, ठीक है। ये लेंथ ला है, ये आपने इधर इसको जो अब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके अंदर आपने इसे मेंशन भी करना है, लेंथ ला को हाईलाइट कर सकते हैं। क्या होगा कि जब ये रिंग ऊपर से नीचे गिरेगा ना, तो ये हमेशा इसको अपोज करेगा नेगेटिव को, यानी कि वो जो अपने अंदर फ्लक्स का चेंज आ रहा है उसे अपोज करने लगेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये छल्ला, अगर इस छल्ले में से करंट गुजर रहा हो तो आपको सर इसके गेट दम्पेयर लॉ के मुताबिक क्या बनेगी फील्ड? मैंने कहा वो कैसे कैलकुलेट होगा? आपको सर करंट की डायरेक्शन, अगर करंट यूं फ्लो कर रहा है तो आप कर्लिंग फिंगर्स ऐसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब ऊपर आएगा और ऊपर वाले थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ को, और अगर ऐसे करेंगे करंट यूं फ्लो कर रहा है तो कर्लिंग फिंगर्स यूं करेंगे तो हम नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है नॉर्थ नीचे है। अब ये नॉर्थ है तो इस छल्ले ने इस नॉर्थ को रिपेल करना है, तो मुझे बताओ ये छल्ला अगर इसके अंदर करंट फ्लो करे तो इस नॉर्थ को कैसे रिपेल करेगा? अगर इस रिंग में कुछ करंट इस तरह फ्लो करे कि इस छल्ले के नीचे भी क्या आ जाए, नॉर्थ आ जाए, और छल्ले के अंदर करंट कुछ इस तरह बहे कि नॉर्थ नीचे की तरफ बन जाए मैग्नेटिक फील्ड का और साउथ ऊपर की तरफ, तो अगर ये नीचे है तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है? क्लॉकवाइज बनती है, एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ये नॉर्थ आ गया नीचे और ये यूं, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इस रिंग में करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायग्राम वाला था शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू रेजिस्टर आर इन फिगर 15.4 व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एंड स्विच इज ओपनड। ये आपको दो कॉइल नजर आ रही हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन टाइप सी हैं। तो इसके अंदर वो कहता है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और जब ओपन करेंगे तब किस डायरेक्शन में करेगा? ये था पॉजिटिव,
मैं इस साइड को लिख लेता हूँ लेफ्ट, इस साइड को लिख देता हूँ राइट। ये रेजिस्टेंस है जी आपकी, इस डिस्टेंस में लेफ्ट और राइट के लिए आसे में देखना है। ये है जी पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब स्विच को करते हैं जी क्लोज। स्विच क्लोज करने का मतलब है कि इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है। जब स्विच को मैं क्लोज करूँगा तो आप देखें कि स्विच को क्लोज करने से करंट यूँ फ्लो करेगा, यूँ, तो नॉर्थ कहाँ आ रहा है, इस तरफ, साउथ कहाँ आ रहा है, इस तरफ। इस तरफ क्या आ रहा है, साउथ, इस तरफ आ रहा है नॉर्थ। तो अब इसने इस कॉयल के अंदर, क्योंकि EMF इंड्यूस होगी, लेंस लग गया, तो ये से क्या करेगा, अपोज। अपोज करने के लिए इस तरफ कौन सा पोल बनाएगा, आपको कहोगे सर जाहिर सी बात है साउथ को अपोज करने के लिए इधर ये अपना क्या बनाएगा, साउथ, और नॉर्थ कहाँ बनाएगा, इधर। तो जब ये साउथ इधर बनाएगा, नॉर्थ इधर बनाएगा, तो करंट यूँ आता हुआ, यानी कि यूँ आता हुआ लेफ्ट से राइट जाने मूव करेगा। और अगर स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो फील्ड लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगे। जब फील्ड लाइंस कम होंगी तो इसका तो अभी भी साउथ है, लेकिन ये क्या चाहेगा कि मैं इसको अपोज करने के लिए क्या करूं, इधर क्या बना लूं, अपोज, यानी कि अपोज नहीं करना, अब इसने सपोर्ट करना है। ये नेगेटिव को बताना है कि अपने अंदर से जो रेट ऑफ चेंज है ना, उसको अपोज करना है। तो अब देखो ये फील्ड मैक्सिमम होगी, अब जब स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो ये फील्ड लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये चाहेगा कि चेंज ना हो। अगर 10 गुजर रही हैं तो बाद में भी कितनी गुजरे 10। अब ये उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इधर ये क्या लाएगा, नॉर्थ, और इधर क्या लाएगा, साउथ। जब ये नॉर्थ इधर लाएगा तो आप देखोगे करंट ऐसे फ्लो करेगा, कहाँ से, इधर से इधर, राइट से लेफ्ट, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। तो ये डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स ही है, क्योंकि 3D बन नहीं सकती, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है बच्चे इसमें, इसके क्वेश्चन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। डज द इंड्यूस EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, थ्रू अ सर्किट। वो कहता है कि क्या जो इंड्यूस EMF है लेंज लॉ के मुताबिक, वो हर वक्त अपने आने वाले चेंज को हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश करती है। इसी क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में भी छुपा हुआ है। आप कहोगे नो, ये डिक्रीज नहीं करती, ये डिक्रीज भी करती है, ये इंक्रीज भी करती है। इसको समझ लो कैसे, जब ये रिंग ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ये रिंग के अंदर जो बनने वाली इंड्यूस्ड EMF है, वो चाहेगी कि मैं अपने अंदर आने वाले चेंज को कम करूं। मैंने कहा कैसे, उसने कहा सर इस मैग्नेट के यहाँ पर क्या होंगी, फील्ड लाइंस होंगी। मैंने कहा होंगी यार। उसने कहा सर जब ऊपर था ना मैं छल्ला, तो अपनी ज़िंदगी मस्त गुजार रहा था, लेकिन जब मैं नीचे आना शुरू हुआ तो पहले एक फील्ड लाइन गुजरी। मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ भी नहीं गुजरा था, तो अब भी कुछ भी ना गुजरे, यानी कि चेंज ना पैदा हो, लेकिन जब मैं नीचे आऊँगा तो कितनी गुजरेंगी, 2। वो कहेगा सर मैं अब भी चेंज नहीं चाहता, 1 बहुत है। जब मैं नीचे आऊँगा 3 गुजरेंगे, तो अब भी ये कहता है मैं चेंज नहीं चाहता। तो ये हमेशा उसे रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, तो करंट यूँ जाएगा। लेकिन जब ये रिंग इस जगह आ जाएगा, ये इस जगह साउथ के पास, और अब ये इस साउथ से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर फील्ड लाइंस फुल हो गई, लेट्स सपोज 10 हो गई। अब ये चला फिर चाहेगा कि फील्ड लाइंस क्या ना हो, चेंज ना हो, 10 से 9 ना हो या 10 से 11 ना हो, लेकिन जब ये चला नीचे आने शुरू होगा तो फील्ड लाइंस क्या होना शुरू हो रही है, कम। तो अब ये चला क्या चाहेगा, अब ये कहेगा कि अब भी मैं चेंज को अपोज करूंगा। चेंज को अपोज करने के लिए इसे क्या चाहिए, ये कहता है मैं 9 हो रही हैं, मैं इसे वापस क्या करूँ, 10। तो पहले ये डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। रिंग अपने अंदर से चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, तो चेंज चाहे डिग्री से रुके चाहे इंक्रीज से, इसने हर वक्त चेंज को रोकना है। तो चेंज इंक्रीज वाला भी हो सकता है और डिक्रीज वाला भी, इसका मतलब है हर बार जस्ट डिक्रीज वाला नहीं होगा, इंक्रीज वाला भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिर एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो कहता है व्हेन द स्विच, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये डायग्राम सी नज़र आ रही है, ये मैं अब आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इस तरह ना हमारे पास एक सिलेंडर सा पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सिलेंडर जो है ये भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन कि जब मैं इधर एक स्विच लगा देता हूँ और इस सिलेंडर के ऊपर ना इस जगह एक रिंग डला हुआ है ऐसे करके, ठीक है। अब होता क्या है, वो कहता है कि इसको क्वेश्चन, व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज, करंट इज
establish in the coil and the metal ring jumps upward. सिंपल सी बात है ना, जब इस स्विच को मैं क्लोज करूँगा तो होगा क्या कि इस ये जो मेटल का रिंग्स है ये और नीचे जो सिलेंडर्स है ये एक मखनातीस बन जाएगा. जब ये मखनातीस बनेगा तो पहले वो जो रिंग उस छल्ले के अंदर ऐसे डला हुआ है इस तरह, ये रिंग जो ग्रीन सा डला हुआ है इसके अंदर पहले कितनी फील्ड लाइन गुजरें आपको सर, जब मैग्नेट ही नहीं था ये तो फील्ड लाइन भी कितनी थी, जीरो. तो लेकिन वो कहता है जब मैं स्विच को ऑन करूँगा तो इसके अंदर क्या बनेगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. छल्ला वो क्या करेगा, चूंकि वो मेटल का है वो इसको क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज. जब अपोज करने की कोशिश करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो कहता है छल्ला जंप करता है. ये तो क्वेश्चन में बता दिया कि छल्ला क्या करेगा, ऊपर की तरफ जंप करेगा. लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कर दें कि इसको पॉजिटिव बना दें और इसको नेगेटिव बना दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो छल्ला ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा. और भाई उसमें भी छल्ला कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा. उसने कहा क्यों, उसने कहा सर देखें पहले अगर ऊपर नॉर्थ बन रहा था तो अब ऊपर क्या बनेगा, साउथ. दोनों कंडीशन में इसके अंदर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, तो ये हर कंडीशन में पहले भी ये पोज कर रहा था, अब भी ये क्या करना करेगा, अब भी ये पोज करेगा, जिसकी वजह से ये पहले भी ऊपर की तरफ जंप कर रहा था अब भी ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, जंप करेगा. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं फिर. क्वेश्चन नंबर 7, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है. वो कहता है दी फिगर, क्वेश्चन 15.7 शोज अ क्वाइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन विद अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस अराउंड विच ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्सिस शुड द क्वाइल बी रोटेटिंग इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ एंड अ करंट इन द क्वाइल. ऊपर जेड है, मैं आपको इस डायग्राम के मुताबिक बताता हूँ. देखो ऊपर जेड है, इस तरफ कैमरे की तरफ आप लोगों की तरफ एक्स है और इधर वाई है, ठीक है. अब इस तरफ इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है और ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई. अब फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है आपके पास और इस जगह करके ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर वाई है, इस तरफ एक्स है और इस तरफ जेड है, ठीक है. और इन्होंने इस जगह सेंटर में एक रिंग रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह एक रिंग रखा हुआ है. अब आप मुझे बताओ कि इस रिंग को मैं किस तरह रोटेट करूं, किस डायरेक्शन, किस एक्सिस पे रोटेट करूं कि इस रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाए. उसने कहा सर अगर तो आप इस रिंग को रोटेट कुछ इस तरह करते हो कि ये इसके बिल्कुल साथ साथ चले और चेंज ऑफ फ्लक्स ना आए, तो वाई एक्सिस पे रोटेट करने से, जब आप ऐसे रख के रिंग को ऐसे रोटेट करोगे, ये आपके पास रिंग है, ये रिंग आपने ऐसे रख लिया, जब आप ऐसे रख के इस रिंग को रोटेट करोगे तो आप देखोगे आप रोटेट करने से इस रिंग ने इस फील्ड लाइंस को काटना नहीं है, काटेगा नहीं तो इस रिंग के अंदर इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगी. अब वाई एक्सिस पे रख लो, सॉरी जेड पे रख लो, जेड ऐसे है, रिंग को आपने ऐसे रख लिया, ये यूं रिंग, आप रिंग को ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे रिंग घूम रहे, पड़ा ऐसे है, घूम ऐसे रहे. जब ऐसे घूमेगा तो आप देखोगे तब भी कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी क्योंकि फील्ड लाइंस नहीं कटेंगी. लेकिन रिंग अगर आप ऐसे रखो इस तरह और एक्स एक्सिस पर रख के घुमाओ, जब आप एक्स एक्सिस पर रख के घुमाओगे तो जैसी ये साइडें चेंज होंगी ये हर बार घूमते हुए इन फील्ड लाइंस को क्या करेंगी, ये ऐसे पड़ा रिंग, जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे तो हर बार फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करेगा. जब वो करेगा तो अल्टीमेटली बात है कि हमारे पास ये फार्मूला इंड्यूस ईएमएफ का माइनस एंड डेल फाई, तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो फिर ईएमएफ भी इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी. तो यानी कि रिंग किस एंगल पे रोटेट करें, रोटेटेड एट कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस, जब आप एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगी. यही क्वेश्चन था हमारा, एंड हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर के 18 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है. हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि भाई फील्ड भी चेंज हो रही है, एरिया पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा एरिया, लेट्स सपोज नहीं हो रहा, लेकिन आपने कुछ इस तरह एडजस्ट करना है कि उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ना बने. यानी कि अगर इस इक्वेशन को मैं ओपन करूँ तो इस इक्वेशन का आंसर क्या क्या बनता है, ये माइनस एन डेल फाई, डेल फाई मीन डेल बी चेंज हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा, कॉस थीटा ओवर डेल टी, ठीक है. अब उसने कहा सर ये भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स, अगर ये चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बननी चाहिए, लेकिन आपने कुछ इस तरह ओरिएंटेशन उसकी रखनी है
कि उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ ना बने। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? इसके दो हल हैं। आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो दो चीज़ों के बराबर है, बी ए ठीक है, कॉस थीटा। कॉस हम जीरो ले लें तो क्या बचता है, बी इंटू ए। अब ये हो सकता है कि अगर बी चेंज हो, बी कम हो तो एरिया बढ़ जाए, जिसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, सेम। तो फाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाए, फाई टू। तो डेल फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप जब इस फार्मूले में पुट करेंगे ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी, तो ई एम एफ का आंसर इधर जीरो पुट करेंगे तो सारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। एक तो हाल ये बनता है, लेकिन लेकिन अगर एरिया भी कॉन्स्टेंट है तब क्या जुगाड़ लगाया जाए? उसने कहा सर तब ये कॉज नजर आ रहा है, चैप्टर नंबर 14 सारा इसी पे ही है, कॉज नजर आ रहा है। मैंने कहा तो, कहता है सर लूप फील्ड भी चेंज होने दो, सब कुछ चेंज होने दो। तो फिर मैंने क्या कह दिया, उसने कहा सर कॉज को 90 पकड़ दो, बस कॉज को क्या कर दो 90, यानी कि ये पड़ा है, इस तरफ वैक्टर है, इस तरफ फील्ड लाइन्स हैं, फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर पीछे से फील्ड लाइन चेंज हो रही, अब वेक्टर एरिया को यूं रख दो, वेक्टर एरिया ऊपर है, फील्ड इधर। अब फील्ड लाइन चाहे बढ़े चाहे कम हो, हर बार एंगल कितना बन रहा है, 90। तो जब पहले 90 तो फाई वन का आंसर क्या बनेगा, जीरो। बाद में 90 फाई टू का आंसर भी क्या बनेगा, जीरो। जीरो माइनस जीरो, जीरो चेंज, जीरो। इसको पुट करेंगे तो ईएमएफ क्या आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब है कि आप कॉज 90 कर दें तब भी, चाहे आप फील्ड चेंज करते रहे एरिया चेंज करते रहे, हर बार आंसर जीरो बनना है, और पहले भी जीरो बाद में भी जीरो, तो चेंज क्या आएगा, जीरो। या अगर एरिया चेंज हो रहा है तो फील्ड कुछ इस तरह चेंज हो रही होगी, अगर एरिया बढ़ेगा तो फील्ड कम, अगर फील्ड बढ़ेगी तो एरिया कम, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम। जब प्रोडक्ट सेम तो जो पहले आंसर है वही बाद में, सेम आंसर में से सेम आंसर माइनस करेंगे तो आंसर चेंज क्या आ जाएगा, जीरो। तब भी ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है इन अ सर्टेन रीजन देयर इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउन व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। बड़ा अजीब सा सवाल है, चैप्टर नंबर 14 से है वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन मतलब है इधर का, लेकिन इसका जो आंसर है वो चैप्टर नंबर 14 में जाके लाई करता है। यूं कुछ जुगाड़ है, जुगाड़ कुछ यूं है। अब अगर आप इस कैमरे में वीडियो देख रहे हैं तो उसके मुताबिक मैं लेता हूँ आपके सामने, ये हमारे पास आ जाता है ईस्ट, ईस्ट वेस्ट ठीक है, नॉर्थ साउथ, यही बनेगा। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास जो फील्ड है वो किस तरफ है, जो आपके पास जो हमारी फील्ड है वो वर्टिकली कहाँ पर है, नीचे की तरफ। फील्ड कहाँ पर है, नीचे की तरफ। और जो हमारे पास एरोप्लेन है वो किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, सॉरी नॉर्थ इस तरफ आएगा, इधर साउथ आएगा, इधर नॉर्थ, इधर आ रहा है साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ। एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ आ रहा है, फील्ड नीचे की तरफ है। तो इधर आपने बताना है कि उस एरोप्लेन के ऊपर, यानी कि यूं एरोप्लेन आ रहा है इस तरफ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इस बोर्ड के मुताबिक ऐसे बनेगा ठीक है। तो अब आपने बताना है कि अगर मैं इसको रुकें, इसको हम इधर प्रॉपर उसी की फॉर्म में बनाते हैं जो बनता है ईस्ट वेस्ट ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ठीक है, आप सही समझ आ जाएगी। फील्ड अर्थ है ना, तो जहाज़ ऐसे जा रहा है, जहाज़ जब ऐसे जा रहा है तो अब जहाज़ ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कहता है फील्ड नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब अगर जहाज़ ऐसे जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ है, बोर्ड की तरफ। अब आपने बताना है कि उस जहाज़ की कौन सी विंग टिप पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ आ जाएगा ठीक है। ये जहाज़ बना दिया, ये इसकी एक विंग आ गया, इसका दूसरा विंग आ गया। अब इसके ऊपर इक्वेशन लगेगी हमारे पास उस चैप्टर से, क्यू इंटू वी क्रॉस बी ठीक है जी। अब आपने बताना है कि जो फील्ड है वो नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउन, और वी की डायरेक्शन क्या है, ये बी की डायरेक्शन है, और वी की डायरेक्शन कहाँ पर है, नॉर्थ। तो आपने बताना है कौन सी विंग थी। अगर जहाज़ ऐसे जा रहा है तो डाउन नीचे होगा, अगर जहाज़ ऐसे जा रहा है तो डाउन इस तरफ होगा। अब इसके मुताबिक आपने क्या करना है, फील्ड की डायरेक्शन में आपने ये वाली फिंगर रखनी है। तो फील्ड कहाँ पे है, नीचे की तरफ। जहाज़ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि इधर। तो इस तरफ कौन सी विंग टिप आ रही है, वेस्ट। तो इसका मतलब है कि चार्ज, यानी कि जो क्यू है वो किस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, यानी कि जो फोर्स है क्यू के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगी, वेस्ट
विंग टिप, ठीक है जी। या ऐसे देख लो, यूं जा रहा है, यूं कर लो, जब यूं करेंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में जहाज जा रहा है, फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये वाली फिंगर मिडल फिंगर इस तरफ आ रही है, अगर मेरी तरफ आ रही है तो इस तरफ क्या चीज़ बनती थी, वेस्ट। तो वेस्ट की डायरेक्शन के ऊपर सारी फोर्स लगेगी और सारा पॉजिटिव चार्ज वेस्ट विंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, शो डैट EMF एंड डेल फाई बाई डेल टी हैव द सेम यूनिट। इक्वेशन प्रूव करनी है ये वाली, ठीक है। एन तो एक नंबर है ना, एन कोई यूनिट नहीं है, तो कहता है ई एंड डेल फाई बाई डेल टी हैव सेम यूनिट्स, इनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो जो EMF है इसके यूनिट वही होते हैं जो वोल्ट के होते हैं, वोल्ट क्या होता है W बाई क्यू, W क्या होता है जाउल, और Q क्या होता है कूलम। तो ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड के भी यूनिट क्या यही बनते हैं। ले जी राइट हैंड साइड डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई क्या होता है, डेल फाई होता है वेबर, ठीक है, यानी कि वेबर नीचे सेकेंड, वेबर क्या होता है न्यूटन मीटर पर अम्पेयर ओवर सेकेंड, न्यूटन मीटर अम्पेयर सेकेंड, न्यूटन मीटर क्या होता है जाउल, अम्पेयर सेकेंड ये क्या होता है कूलम, कैसे, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर आ जाएगा आई क्रॉस टी, आई क्या होता है अम्पेयर, ये होता है सेकेंड, तो ये क्यू के बराबर है, क्यू के यूनिट क्या है सी, तो ए एस किसके बराबर आ गया सी, जाउल पर कूलम, और ये जाउल पर कूलम और ये भी क्या है जाउल पर कूलम, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि EMF एंड डेल फाई बाई डेल टी हैव द सेम यूनिट्स, ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमसे इल्तिजा करता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल, ड्रिल मशीन देखियो को ऐसे सुराख करने के लिए चलती है जो ऐसे, डज इट आल्सो एक्ट एज जनरेटर, इफ सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। वो कहता है एक मोटर नहीं होती आम मोटर, उसके अंदर क्या जुगाड़ होता है, उसके अंदर ये जुगाड़ होता है कि इस तरह वो मोटर होती है, इस तरफ एक मैग्नेट होता है, एक इस तरफ नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन कि जो करंट से मैग्नेट बनता है, दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट, और दूसरा परमानेंट भी हो सकता है। इसके अंदर यूं एक कॉयल होती है जिसके ऊपर हमने ऐसे कॉयल के वाउंड की होती है, इधर से दो तारें निकल रही होती हैं, इन तार के ऊपर हम करंट अप्लाई करते हैं, तो जैसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर लगा हुआ एक्सल घूमता है, जब एक्सल घूमता है तो ये मोटर घूमती है। वो कहता है क्या यही मोटर जनरेटर में कन्वर्ट हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है जी सर, क्या करना पड़ेगा, नंबर वन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही थी, तो क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि जो एक्सल को आगे से खुद घुमाना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू में क्या है कि जहां पर हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट है वहां पर आप क्या कर देंगे, परमानेंट मैग्नेट कर देंगे, ठीक है। नंबर तीन पे क्या करना है, जहां पर आपके पास बैटरी है इस बैटरी को आपने रिप्लेस कर देना है किससे, लोड से, क्योंकि पहले करंट दिया जा रहा था, अब चूंकि घुमाएंगे तो यहां पर करंट बनेगा और वो करंट इधर आएगा, तो यानी कि इसको उड़ाकर यहां पर हम क्या एडजस्ट कर देंगे, एक लोड, तो यहां से ये डीसी मोटर कन्वर्ट हो जाएगी डीसी जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे क्या कहता है, कैन अ डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू डीसी जनरेटर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तकरीबन सेम है, तो वो कहता है कि कैन अ डीसी मोटर बी कन्वर्टेड, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का आंसर तकरीबन सेम ही है। वो कहता है कि ये ड्रिल मशीन थी, तो ये भी मोटर थी, तो ये आपने क्या बना लिया, इसको जनरेटर बना लिया, बींग यूज एक्ट एज जनरेटर, हाँ। और क्वेश्चन नंबर 12 तो उसके अंदर भी कहता है क्या एक डीसी मोटर को आप डीसी जनरेटर बना सकते हैं, हमने कभी बना सकते हैं, बस आपने ये चेंजेस करने हैं, तो उससे ये क्या हो जाएगी, ये डीसी जनरेटर बन जाएगी, बस खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इधर से आप ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड स्टिल नॉट हैव इंड्यूस्ड EMF। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 8 जो भी हमने कहा है ये दोनों सेम है। वो कहता है क्या आप कुछ इस तरह जुगाड़ लगा सकते हैं कि फील्ड भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, लेकिन
ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो रही तो क्या वजह हो सकती है? वजह फेडल आके फार्मूले में इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। अब वो कहता है कि जो फाई है इसके अंदर जो चेंज है वो किसकी वजह से आ रहा है? डेल बी ए, ये हो रहा है, यानी कि ये डेल बी और ए हो रहा है, यानी कि डेल बी भी हो रहा है और डेल ए भी हो रहा है, लेकिन जो ईएमएफ है वो ज़ीरो है। मैंने कहा वो वजह सर पता क्या है? वजह ये है कि ये डेल फाई डेल बी ये असल में एक और फैक्टर है इसमें, वो कॉज ऑफ थीटा है। तो असल में वो आपका थीटा कितना पड़ा होगा? 90, जिसकी वजह से पहले वाला फ्लक्स भी ज़ीरो बन रहा है, बाद वाला भी ज़ीरो बन रहा है। जब ये दोनों ज़ीरो बनेंगे तो चेंज इन फ्लक्स क्या बनेगा? ज़ीरो। तो ईएमएफ माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई ज़ीरो, तो ईएमएफ भी क्या बनेगी? ज़ीरो। क्या बन रहा है कि अगर लूप को मैं ऐसे रख लूँ, यूँ फील्ड लाइन्स यूँ है, तो इसका वेक्टर एरिया ऊपर है, फील्ड इधर है, एंगल 90। तो अब चाहे फील्ड बड़े या कम हो, एरिया बड़े या कम हो, दोनों केसेस में एंगल हमेशा 90 आएगा। तो पहले भी फ्लक्स ज़ीरो बनेगा, बाद में भी ज़ीरो, तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? ज़ीरो। तो ईएमएफ कितनी बनेगी? ज़ीरो। तो यस, हम ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं कि एरिया भी चेंज होगा, फील्ड भी चेंज होगी, लेकिन स्टिल नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। कैन अ मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर? ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आसान है। इसका आंसर है जी नो। लो जी, नो लिखने से आपको मिलेगा एक नंबर, बिकॉज ये किसको ओबे करना छोड़ देगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। उसने ये कहा कि ये आपके पास एक है जी मोटर, ये है जी आपके पास एक जनरेटर। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने जनरेटर को थोड़ा सा करंट दिया, उसने जनरेटर के करंट से चला दी मोटर। मोटर का जो आगे एक्सल था, उसी एक्सल पर मैंने एक पुली लगाई, और पुली लगाने के बाद उस पुली को अटैच कर दिया किसके साथ? जनरेटर के साथ। कुछ यूँ हो रहा है, यूँ ये सर फर्ज कर लो जनरेटर है, ये मोटर है, जनरेटर ने करंट दिया, मोटर घूम रही। जब मोटर घूम रही है तो मोटर के ऊपर मैंने बेल्ट लगाकर जनरेटर को जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यही बेल्ट जनरेटर पे लगा दी। तो क्या हो रहा है? इसका करंट इधर आ रहा है तो ये चल रही है, ये मैकेनिकल एनर्जी इसे दे रही है तो ये चल रहा है, तो जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ही चली जा रहे हैं और लामहदूद तक टाइम तक चल सकते हैं। नहीं चल सकते भाई साहब, नहीं चल सकते, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी डिस ओबे हो जाना है। क्यों? इन दोनों में ना एक दो पॉइंट्स हैं, एक है बैक ईएमएफ और एक है बैक जनरेटर इफेक्ट या रिवर्स मोटर इफेक्ट। ठीक है, जनरेटर इफेक्ट, इसमें जनरेटर इफेक्ट है, इसमें बैक मोटर इफेक्ट। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप इस जनरेटर को चलाओगे तो जनरेटर को लेट्स सपोज आपने दी 10 जाउल एनर्जी। कितनी? 10 जाउल एनर्जी। उसमें से 8 जाउल एनर्जी ही सिर्फ ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बाकी कुछ इस जनरेटर के साउंड और बैक मोटर इफेक्ट में क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी। तो कितनी बची? 8। 8 पे चली आपकी मोटर, लेकिन मोटर ने क्या करना है? आगे कितनी देनी है मैकेनिकल एनर्जी? 6 जाउल। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर सपोज किया हुआ ये, उसने कहा ये होना है कि मोटर के अंदर बैक जनरेटर इफेक्ट आ जाना है, तो कुछ वहाँ पर हो जानी है और कुछ मोटर की अपनी हीट जनरेट होनी है, प्लस मोटर के साउंड की वजह से कुछ एनर्जी क्या हो जानी है? ज़्यादा। तो पहुँची कितनी? 6। तो जनरेटर कितने पे चल सकता है? 10 पे। मिली कितनी? 6। तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, जनरेटर क्या हो जाएगा? फौरी बंद हो जाएगा। तो ये खुद बा खुद वाला जो सेल्फ परपेचुअल जो सिस्टम है, ये नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि सेल्फ परपेचुअल कहते हैं खुद बा खुद जो लामहदूद चलता रहे। क्वेश्चन नंबर, आ सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्री इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ऑसिलेशंस आर स्ट्रॉन्गली डैम्प्ड व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, एक्सप्लेन व्हाई दिस अकर्स। वगैरह सर, हमने एक रस्सा लिया, इस रस्से के साथ ना ऐसे एक मैग्नेट को मस्त बांध दिया, मस्त बांध कर इसको ऐसे छोड़ा, तो यह बन गया एक पेंडुलम और यह मस्त अपनी जिंदगी ऐसे ऐसे गुजार रहा है। लेकिन जब ये अपनी जिंदगी गुजार रहा था तो हमने इसके साथ ना एक और ऐसे ही मैग्नेट ऐसे लगा लिया, हमने इस मैग्नेट दोनों को सेम हाइट से फेंका, लेकिन एक के नीचे हमने एक मेटल का पीस रख दिया, टुकड़ा रख दिया, और एक के नीचे कुछ भी नहीं रखा, तो जिसके नीचे रखा था वो बड़ी जल्दी रुक गया। इस रुकने को हम बोलते हैं डैम्पिंग, डैम्प्ड हो गया। हमने कहा भी वो क्यों? इसके आंसर में आप लिखेंगे, इधर मेंशन करेंगे एक चीज़ को, वो चीज़ है लेंज़ला। वो लेंज़ला क्या कहेगा?
वो कहेगा सर जब ये इधर जा रहा था तो इसके ऊपर चेंज इन फ्लक्स आ रहा था, तो ये क्या चाहेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब ये तो फिक्स पड़ा है, तो ये क्या करेगा, जो मोशन कर रहा है उसे रोकने की कोशिश करेगा, मैग्नेट जा रहा है उधर, तो ये कहेगा कि अब मैं, मेरे से पहले तो मेरे अंदर फील्ड लाइन, जब ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर होगा तो फील्ड लाइन ज्यादा होंगे, लेकिन जब इधर जाएगा तो फील्ड लाइन कम होने की कोशिश करेंगी। ये कहेगा मैंने बढ़ाने की कोशिश करो, तो उसके लिए क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट। तो कोई बंदा उधर जा रहा हो आप उसे रोकने की कोशिश करो, तो उसकी ओसिलेशन क्या वहां तक जाएगी या पीछे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। जब वापस आने की कोशिश करेगा तो फील्ड लाइन कम होगी, जब बढ़ने की कोशिश करेंगे अब आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। दोनों कंडीशन में आप उसे रोक रहे हो, चाहे उधर जा रहा है चाहे इधर आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी ओसिलेशन बड़ी जल्दी रुकने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली रुक जाएंगी और ये रुक जाएगा, डैम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसके पीछे साइंस है वो है लेंज़ लॉ। क्वेश्चन के आंसर में आप लेंज़ लॉ को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है कि हमने एक ट्रांसफार्मर है, 4 अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम ट्रांसफार्मर, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टू डिटरमाइन द टर्न्स रेशियो। एक ट्रांसफार्मर, उसमें से 4 तारे निकल रही हैं, ये जी ट्रांसफार्मर है इसमें से 4 तारे निकल रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी किस चीज़ की तार है, हाँ आपने ये बताना है NS/NP, टर्न्स की रेशियो बतानी है। तो हमें पता है कि NS/NP किसके बराबर है, VS/VP, पोटेंशियल के डिफरेंस के, सिंपल पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। तो हमें ये दोनों पता होंगे तो हम ये निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ओम मीटर लेंगे, इसको इधर कनेक्ट करेंगे। अगर तो इसकी सुई डिफ्लेक्शन देगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों तारें प्राइमरी की हैं, अगर नहीं दी डिफ्लेक्शन तो हम इसको इधर लगाएंगे। अगर इस पर डिफ्लेक्शन दी तो ये दो तारें हो जाएंगी प्राइमरी की, जो दो बचेंगी वो किसकी हो जाएंगी, सेकेंडरी की। ठीक है, ये प्राइमरी की सेकेंडरी की मिल गई। अब क्या करेंगे, हम इन दो प्राइमरी की तारों पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो वोल्टेज हमें पता है वो कितनी है, लैट सपोर्ट 220। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी पे कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगी, हम कह देते हैं वो कितनी बन गई है, 22। कितनी बन गई है, 22 वोल्ट। तो ये इधर बन रही है उधर कितनी बन रही है, इधर। तो हम इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 22/220, तो क्या आएगा, 1/10। तो सिंपल सी टर्न्स रेशियो हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद था VP और VS निकालना, तो वो हम इस प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। पहले ओम मीटर लगाएंगे ताकि सिस्टम के अंदर वो जो क्या कहते हैं फ्लो कंटिन्यूटी, उसे देख लेंगे कि कौन सी तार किसकी, और फिर वोल्ट मीटर लगाकर इसकी और इसकी VP और VS निकाल लेंगे। जैसे निकालेंगे इधर पुट करेंगे तो टर्न्स रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएँ 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज पावर लेवल। अच्छा, इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो चेंज फ्रॉम प्राइमरी टू, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हो इज देन पावर ट्रांसफर। पहला वो कहता है क्या ट्रांसफार्मर भाई पावर को अप डाउन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। PP इज इक्वल टू PS, क्या होता है, IP VP इज इक्वल टू IS VS। होता ये है कि अगर प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा है और सेकेंडरी की कम है तो प्राइमरी का करंट कम होगा, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा। इसको आंसर हम यूँ कह लेते हैं कि अगर ये 3:2 है तो इधर आंसर क्या होगा, इधर आंसर हो जाएगा 2:3, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि पावर IV के बराबर होती है तो पावर दोनों साइडों पर क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब है पावर इंक्रीज नहीं होगी। ये पार्ट है, पार्ट बी कहता है कि ये एक कॉइल है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ये एक कॉइल है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी, वो कहता है इन दोनों के दरमियान में कोई लिंकेज नहीं है, ऐसे आप ऐसे ऐसे हाथ भी लगा सकते हो अंदर से कुछ भी। तो फिर ये इधर से पावर इधर कैसे आती है, तो पावर इधर कैसे आती है कि इसके अंदर बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो फील्ड लाइन जब इधर पहुँचते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, तो इसके अंदर लग रहा होता है एम्पेयर्स लॉ, और इसके अंदर लग रहा होता है फैराडे लॉ। तो अब दरमियान में क्या चीज़ है, ये फील्ड बनाता है कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसी फील्ड को यूज़ करके EMF बना देता है। इसका मतलब है कि पावर कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, मैग्नेटिकली, पावर इज ट्रांसफर्ड मैग्नेटिकली। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन, इसके भी दो पार्ट हैं। व्हेन द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू AC मेंस, द करंट इन इज वेरी स्मॉल इफ द सेकेंडरी सर्किट इज ओपन बट इंक्रीज इज व्हेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज, एक्सप्लेन दिस फैक्ट।
बड़ा आसान है। आप अक्सर मोबाइल का चार्जर पावर सप्लाई में लगा कर अगर मोबाइल चार्ज पर लगाएं ना तो चार्जर गर्म होता है और पावर यूज़ होती है, लेकिन अगर आप आगे से मोबाइल उतार दें तो आप देखते हो पावर यूज़ नहीं होती। आप बेशक इसे किसी इंस्ट्रूमेंट पे लगा के भी चेक कर सकते हैं, उनके यूपीएस पे भी रीडिंग आती है, जब आप लगाते हो तो रीडिंग आती है, जब आप नहीं लगाते तो रीडिंग नहीं आती। क्वेश्चन ये था कि ये हमारे पास दो कॉइल्स, मैं इधर बना देता हूँ, ये लें जी, इसको हम एसी सप्लाई लगाते हैं। इधर हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, या लेट्स सपोज एक लोड कनेक्ट किया हुआ है लेकिन स्विच को हमने ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। अब एक और है, ये हमारे पास पार्ट बी है, इधर एक लोड को कनेक्ट किया हुआ और स्विच को साथ कनेक्ट किया हुआ है, इनके सर्किट क्लोज्ड है, आर स्विच, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी पार्ट ए इसी क्वेश्चन का और ये पार्ट बी। अब पार्ट ए में वो कहता है कि अगर सेकेंडरी का स्विच ऑन हो तो आप देखते हो पावर भी बहुत कम यूज़ होती है, ना होने के बराबर होती है। उसकी वजह आप बताओ सर, इस सर्किट में वोल्टेज तो पूरी पूरी होगी, ये मैं क्वेश्चन नंबर वन से मिलता है, लेकिन IS कितना होगा, करंट कितना फ्लो करेगा, IS इस सर्किट में कितना फ्लो करेगा, चूंकि स्विच ओपन है तो IS कितना हो जाएगा, जीरो। आप इस इक्वेशन में पुट करें, ये क्या थी PP प्राइमरी की पावर, और PS किसके बराबर है, IS VS, IS कितना है, जीरो। तो अगर आप इधर जीरो पुट करें तो PP कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपको कहा सर PP नियरली इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ये अगर पावर यूज़ नहीं करेगा तो ये पावर भी पीछे से नहीं लेगा। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इधर IS कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो करेगा तो PP इज इक्वल टू क्या आएगा, IS VS। तो IS कुछ ना कुछ है, VVS तो ऑलरेडी हर वक्त होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा, लेकिन IS है। जब ये दोनों की को आप प्रोडक्ट लेंगे तो PP का कुछ ना कुछ क्या बनेगा, वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये पावर यूज़ करेगा तो ये पावर पीछे से लेगा, कैसे लेगा, मैग्नेटिकली। अगर ये पावर यूज़ नहीं करेगा तो ये लेगा भी नहीं और ये मैग्नेटिकली पावर को लेगा भी नहीं। इसका मतलब है कि अगर सेकेंडरी सर्किट ओपन है तो नो पावर लॉस, पावर नहीं इस्तेमाल होगी, यूज़ नहीं होगी यूजेज। लेकिन अगर सेकेंडरी सर्किट क्लोज्ड है, सेकेंडरी में पावर यूज़ हो रही है, तो जब यूज़ होगी तो पीछे से लेगा, और पीछे कौन है, प्राइमरी। तो इसका मतलब है प्राइमरी से कुछ ना कुछ पावर ली जाएगी। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई कंसेप्ट ढीला मिला रह गया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।